नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत करुछी अभिन्न आशुतोष। बिना टेस्ट रे मिली पारे ड्राइविंग लाइसेंस, एने आरंभ होईछि प्रयास। आज समय रे ड्राइविंग लाइसेंस रो गुरुत्व अधिक। बिना डीएल रे गाड़ी चलाउथबा बेले धरा पड़िले देबाकु पड़िबो मोटा अंकर जरिमाना, 5000 टंका पर्यंत फाइन देबाकु पड़ि पारे। सेहिपरि व्यस्तबहुल समय रे ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करिबा मध्य कष्टदायक। एहाकु नजर रखी सरकार आरंभ करिछन्ति ऑनलाइन व्यवस्था। तेबे आगकु बिना टेस्ट रे मिली पारे ड्राइविंग लाइसेंस, आगकु डीएल नियम को आहुरी सरल करिबाकु योजना करुछन्ति सरकार। एही क्षेत्र रे जेउ माने ड्राइविंग स्कूल रु ट्रेनिंग नेइथिबे सेमानंकु बिना टेस्ट रे मिली पारे ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क ओ परिवहन मंत्रालय पक्षरु जारी होईछि विज्ञप्ति। लोकंक ठारु ए संपर्क रे नियाजिबो परामर्श। जदि सबु किछि ठीक ठाक चले ताहाले आगकु नियम रे परिवर्तन करा जिवो आ बिना परीक्षा रे लोकंकु मिली पारिबो ड्राइविंग लाइसेंस। तबे एने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पाई मध्य जारी होई पारे नुआ गाइडलाइन। जातीय कीर्तिराजी संरक्षण संस्था एनएमए रो अधिनियमकु सेवायतंक विरोध। श्रीमंदिर समेत पुरीर 8टी कीर्तिराजी को कटकणा परिसरभुक्त करिछि जातीय कीर्तिराजी संरक्षण संस्था। एहि अधिनियम जोगु श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर विकास बाधाप्राप्त हेबानी आशंका करुछन्ति सेवायत निजोग। अधिनियम उपरे फेब्रुआरी 18 सुद्धा लोकंक मतामत मागिछि एनएमए। एहाकु विरोध करा बोली सेवायत कहिछन्ति। एपरिकि श्रीमंदिर प्रशासन मध्य नियम विरोधरे मत देबा नै सूचना मिलिछि। सेपटे श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व विकास रे कौनसी बाधा हेबो नाही। जातीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए रो प्रस्तावित अधिनियम प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से कहिछन्ति श्रीमंदिर रो चतुर्पार्श्वर विकास रे कौनसी बाधा आसीबो नाही। एने केन्द्र संस्कृति ओ पर्यटन मंत्री सह कथा होइछन्ति केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व विकास रे बाधा सृष्टि न हबा पई केन्द्र संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल प्रतिश्रुति देइछन्ति। भक्तक भावना को बाधा देला भली कौनसी कार्य हेबो नाही। ऐतिह सुरक्षा अधिनियम को ओडिया भाषा रे प्रकाश करबाकु मध्य से प्रतिश्रुति देतिबा धर्मेन्द्र कहिछन्ति। एने ट्वीट जोगे सूचना देइछन्ति केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एने अधिक सूचना देवा पई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम सीनियर करेस्पोंडेंट पुरी रु अक्षय कुमार मिश्र। अक्षय, निर्दिष्ट भाव में एनएमए रो जो अधिनियम बाहरी जितेबाला श्रीमंदिर कार्यालय तरफ कौन औपचारिक प्रस्ताव दिजिव एनसी चिठा प्रस्तुत करा गला कि निर्दिष्ट भाव में कौन आभिमुख्य रखा। देखो अभिनय जदि कह तेज श्रीजगन्नाथ मंदिर हेरिटेज विधि प्रस्तुत करी एनएमए एवं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जहां केन्द्र सरकार संस्कृति विभाग अधीन अच्छी विज्ञप्ति को सी जनवरी 18 तारीख में प्रकाश करीन मध्य समय रखिंट मतामत लोक मान कौन ऑब्जेक्शन एवं जहां सजेसन अच्छी से नहीं फेब्रुआरी 18 अच्छी अंतिम तारीख तेणु एत दिन भितर राज्य सरकार पक्ष से नहीं कौन से अग्रगति देखा मिल ना कि जेहेतु विज्ञप्ति शेष समय आसू तेणु निश्चित भाव श्रीमंदिर प्रशासन और विभिन्न सेवायत निजोग बर्तमान अंटा भिड़े यार विरुद्ध में प्रतिवाद करेंगे और मतामत देते कारण विशेष भाव में जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई कि मेघनाथ पाटी 300 मीटर भितर 100 मीटर को निषिद्धांचल और परवर्त 200 मीटर को नियंत्रित अंचल जो थे कि 100 मीटर भितर जो राज्य सरकार पक्ष श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर ऐतिह कड निर्माण होनेक उन्नयनमूलक काम रखाई तेणु निहत भाव यह प्रतबंधक आनीपार तेणु निहाति पक्षे गोटे पटे राज्य सरकार प्रोजेक्ट को लेकिन प्रश्नवाच सृष्टि होती जदि एनएम प्रस्तावित बैल को लागू कराए तेज सरकार यह अड़ुआ पैसे सृष्टि हे तेणु निश्चित पाखे श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष मतामत देखा प्रस्तुत होती कारण बैलर प्रस्ताव में उल्लेख रही कि जो मैंने मतामत देवे से सीधा सड़क एनएमए रो वेबसाइट रे मध्य ईमेल माध्यम दे परिबे बा एनएमए ऑफिस कार्यालय को मध्य चिट्ठी माध्यम दे परिबे ते निश्चित भाव एने राज्य सरकार पक्ष प्रस्तुति आरंभ होती और श्रीमंदिर प्रशासन प्रस्तुति आरंभ कर विभिन्न निजोग विभिन्न बुद्धिजीवी संगठन प्रस्तुत होती कारण से मतामत देवे कारण यह द्वारा जदि बैल को आप्रुव कराए बैल कार्यकारी कराए तेज यह श्रीक्षेत्रवासी अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि हम कारण पारिपार्श्विक भाव में प्रशासन पक्ष श्रीमंदिर सुरक्षा बल को नहीं 75 मीटर उच्छेद करता 20 मीटर बफर रोड निर्माण जो भाव में बैल जो स्वतंत्र कराई कारण श्रीजगन्नाथ मंदिर स्वतंत्र बैल करती नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी और यह सहित श्रीमंदिर सहित आहरी 7
ମଧ୍ୟ ମନୁମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ଆଧାରରେ ସାମିଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଇଲ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ବା ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ କଟକଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ଅଧିନିୟମରେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ନୁହେଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବି ଆଖି ପକାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର 6 ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏମିତିକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୀମା ବିବାଦ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଏପରି କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ପରେ ଗଜପତି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଖି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଣିକପାଟଣା ମଧିଆଖୋଲ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଆଖଡ଼ା ଗୁରୁସି ଓ ଅମାରିଲି ଏହିସବୁ ଗାଁରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଏସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏମିତିକି ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବ୍ଲକ ତ ଦୂରତର ତାପରେ ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ପଛେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସିଆଲ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ହେଉ କି ବିଜୁଳି ରାସ୍ତା ହେଉ କି ବିଜୁଳି କି ତାପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ସୀମା ବିବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମେଡିକାଲ ତୃତୀୟରେ ଲେଡ଼ିଜ ହଷ୍ଟେଲ କାହିଁକି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ପାଖାପାଖି 95 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଡମିସନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ବୋଲି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗାବାଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଥିବା ସୀମା ବିବାଦ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଡକ୍ଟର ଫୋନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପଳାଇଲେ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଛି ବୋଲି କହିକି ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଫାଖ ବୋଲିକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଯାକ ଆମେ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦୁସାରେ ନେଇପାରିବୁ ଆଉ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ସମୟ ନଥିଲେ ଫୋନ କରିକି ଡକେଇଲେ ଆଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଏ ଗାଁର ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆନ୍ଧ୍ରର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଗାଁ କଥା କହିଲେ 6 ଗାଁରେ ଆମର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ଆମର ଆସିଛି ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ସେଥିରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ହେଲେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଲୁର ବିଧାୟକ ରାଜନ୍ନା ଦୋରା ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟିଆର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶାନ୍ତିରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଏନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭେଟି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଯାଏ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନ୍ନା ଦୋରା କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ସାଲୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହନରେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଆୱର୍ ହନରେବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଗାରୁ ହୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଓରିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲି ସାର୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଆସ୍କ
our Chief Minister Jagan Mohan Reddy garu and Chief Minister of Orissa Naveen Patnaik garu to sit together both and come to conclusion without further disposal. नुआपड़ा जिले में धान किणारे अव्यवस्था लागी रही। जिलार विभिन्न मंडी में धान किणा आरंभ होनथिबारु चासी मानन को टोकन लाभ सेवा को लागी। सेपटे नुआ टार्गेट आसीथिले हे धान किणा जाउ नथिबारु चासी महल रे असंतोष भी वृद्धि पाउछि। नुआपड़ा विभिन्न मंडी में धान किणा को नै समस्यार हेउनी समाधान। एक मास बीती गला हेले किणा जाई पारिला नाही धान। मिलर्स को अनाई अनाई लाप्स होइकलाणी चासिंग को टोकन। आगो को टोकन मिली पो ना नाही ताकु नै चिंता रे चासी। सेपटे आगुआ धान उठिबा को आरंभ होइकलाणी विवाद। नूतन टोकन पाइथिबा चासी ओ टोकन सरीपा को बसीथिबा चासी मानक मध्यरे सृष्टि होइछि कलह। टोकन लाप्स हेउथिबा चासी माने तांकु प्रथमे सुजोग देबा पई दाबी करूथिबा बळे नूतन टोकन पाइथिबा चासी माने तांकर धान आगे बिक्री हेउ बोली जिद धरिछंती। अन्य पटे एमानक भितरे पेशी होई जाउछंती धान किणुथिबा एसएचजी महिला। विशेष करी खडियाला ब्लॉक खासबहाल ओ बोडेन ब्लॉक को करंगामाला मंडी रे देखा देछि एही समस्या। नै किछि नै उठवा से धान पर रही जेछि सब लेफ्ट सबा के जेछि सब। केते चासर लेफ्ट सेला ना चासी 15 खंडे लेफ्ट सिबला से तक केबे मिलवा हटा पर काना कोई हवा तो पछर लोगन भय भी थी बोलना काना करमु बोल के आमर लेफ्ट सिबा बोल के तासी धान आनले तासी धान जुगाले आमे एसएजी गुरु धान मेलर के डाकी करी ई मेलर सरकार देला आनके मेलर से आसी करी धान उठाबार कथा 28 लोग तो ई माने पछे आनले ना जेते बेले आमर टाइम आसबा आमर टपन लॉस ही जोचे ना मास आसले तो एसएजी ग्रुप घिनी। विभिन्न समय रे चासी को धारणा ओ आंदोलन परे जिला को द्वितीय टार्गेट आसी छे हेले तारीख स्पष्ट करू नथिबारु चासी केबे धान बिक्री करबे ताहा नै मध्य द्वंद सृष्टि होई छे। आसंता सप्ताह भितरे धान बिक्री न हेले खडियाल ब्लॉक रा चासी माने राजरास्ता को ओल्हाइबे बोली चेतावनी देछंती। अन्य पक्षे नुवा टार्गेट रो वेरिफिकेशन चाली छे। धान आसंता काली ठरु किणा जीवो बोली अतिरिक्त जोगाण अधिकारी सूचना देछंती। तो जदि सरकार आम के जदि 4000 क्विंटल फेर नहीं उठौ छे टारगेट नहीं दौ छे गवर्नमेंट कि डिस्ट्रिक्ट कणानु जिला प्रशासन बेले आमे राज रास्ता के धान के नी करी राज रास्ता रे रखमु आरो सबु चासी रास्ता रोक करी करी आमे राज रास्ता रे पका मारु दरकार पड़ले आमे जे करी कणानु आत्महत्या करबार प्लान ने भी रहमु। मोर एबे वेरिफिकेशन हैला सब को माने कार केते टोकन अछि वेरिफिकेशन हैला से वेरिफिकेशन फिगर त आज कंपाइल होछि संध्या भीतर टोकन बंटाइ चेक मो पाखरे फिगर नाही वर्तमान आपनकर जे टोकन लैप्स होछि सेटा भी आमे गवर्नमेंट को जणाइ छि। जिलार 79 मंडी रे धान किणा प्रक्रिया बंद रही छे तेणु नूतन टार्गेट अनुसार धान किणीबा पई चासी माने दाबी करि छथि। नुआपडा रु विजय सहिस न्यूज 18 ओडिया। गाँवें ना गोटे भी नलकूप लोकों शोष मेटाऊ चुआपा दिने नुहे दुई दिन नुहे बर्ष बर्ष धरी एभली पीवा पापी नाकेदम होती बौद्धर दुर्गम गाँ मालती गोछापड़ावासी बर्षा दिने गोटे प्रकार चली जाए हेले अन्य दिन भरोसा केवल बाघ नदीर चुआपा देखु रिपोर्ट। खरादिन आरंभर सुखी गला सबु नदी नाल पापी चली नीतिदिन संघर्ष माइल माइल बाट चलला परे जाई मिलुछि चुआ पानी ता भी गोड़िया पानी आनिले घरे जलिब चुली काहा हातरे अछि गरात आउ काहा हातरे बाल्टी किए भाररे बहुचि पानी। बौद्ध सदर ब्लॉक सगड़ा पंचायत अंतर्गत मालती गोछापड़ा गाँव यह अति साधारण बर्ष बर्ष इपरि पहाड़ जंगल घरा एहि दुर्गम अंचल रे आज पर्यंत पाद पड़िनी कोनोसी सरकारी बाबूंक ग्रामवासीक पई नाही भल रास्ता खंडे बर्ष बर्ष धरी पीवा पानी एठी सात सपन बर्षा दिने गोटे प्रकार चली जाए हेले अन्य दिन भरोसा केवल बाघ नदीर चुआ पानी आंगो पानी पाए वाला करे आगे हमको के असुविधा वाले करे आ तो हमरी ने नलो को नहीं केन सरपंच के सुना ने भी सरपंच भी दबा ना कि समिति भी दबा ना कि कही हमको सुविधा करवा ने पोको जुको भी पड़ जन पुढ़ मोसी भी से पानी रे पड़ जन से पानी का हम खाउ जाय ना हमर बहुत असुविधा हम पानी जते सरकार को किबा नेता मन को कहले भी से मन हमको अलाउ करू नहीं वोट नहीं साल हो कर देबा अंति हेबा सेंति हेबा बोलते भूत समय रे
भोट नहीं सारे कर आमको से माने पचारु ना हाते आज्ञा 100 टी परिवार पाई नाही गोटिए भी नळकूप 1 किलोमीटर दूर रे थीबा बाघ नदी उपरे पूरा गा निर्भरशील विशुद्ध पानीय जल पाई बारंबार दाबी करा जाय छे हेले केही सुनिपाकु नहांती सेपडे जिलापाल कहिछंती गांरे शीघ्र नळकूप व्यवस्था करा जिवो यो नदी अवस्था नदी पानी खाउछु गुला पानी केने किछि पाउ नै हमर किछि खाबा के मिलु नै से गुला पानी खाइ ग्राम को विभिन्न प्रकार रोग बाहर जते जते हमें बोट इलेक्शन रे वाला इगड़ी नळकूप दमु बोलु छौ से हां बोले कर 8 दिन नळकूप दमु बोलु छौ से लोग माने बोट पाई गले रही जाउ छौ हमें जो जो गा रे निहाति पानी जल असुविधा छ हमें तांको टैंकर रे पठो पठो सरकार बडो प्रोजेक्ट आपू कहते 200 कोटी टकर बड़ प्रोजेक्ट जोटा कि महानदी पा आरा एंटायर ब्लक को घरे घरे पा पहुँचा दिवस टीके कष्ट सहयोग करतापुर पानी जल समस्या संपूर्ण भाव दूर एवं दुर्गम अंचल लोक मैंने मौलिक सुविधा वंचित निर्वाचन समय असुविधा को बाधेय कर नेता मैंने केवल भोट हाथ समस्या समाधान बौद्धरु शाश्वत दास न्यूज 18 ओडिया कालिठ पुणि खसब पारद विशेषकर आभ्यंतरण ओडिशारे तापमात्रा 3-4 डिग्री सेल्सियस कमिबाने संभावना रही फल जारी रहिबो शीत लहरी 8-10 तारीख जाए सारा राज्य में शीत लहरी जारी रहिबो बोली आंचलिक पानीपाग केन्द्र कहिछि काली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर मयूरभंज कंधमाल देवगढ़ में शीत लहरी सतर्कता जारी होइछि आसंता 24 घंटा रे विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी नै संभावना रहिछि कंधमाल जिले में शीतलहरी जारी रही जिलार विभिन्न अंचल 6-9 डिग्री मध्य तापमात्रा रही सका 8 पर्यंत कुहुड़ी आस्तरण देखा मिलू सबुठ अधिक थंडा दारिंगबाड़ी फुलवाणी अंचल तेरे धीरे धीरे शीत बढ़ुवर पर्यटकों मुहर में हस फेरी लोके पुणी शीतर मजा नवा आरंभ कले जिले में शीतर लुचकाली खेल देखा मिलू किछि दिन परे पुणी कंधमाल जिले में जाड़ शीतर अनुभूति होती कंधमाल जिलार दारिंगवाड़ी और फुलवाणी में सबुठ अधिक शीतर अनुभूति होदी कह कंधमाल जिलार दारिंगवाड़ी और फुलवाणी में 5-7 डिग्री मध्य शीत अनुभूति होती भाव पर्यटक मैंने शीत दिन मजा नौ आसतु पचार बुझा कौन कहे सर जो शीत दिन रही कि भाव शीत दिन मजा नौ बर्तमान विभिन्न जो पर्यटन स्थल पर्यटक मान आस्ते आस्ते गहली जमीपाक लगुच आ लोक मैंने शीत दाउ रक्षा पाइबापी विभिन्न प्रकार व्यवहार चल आका सका प्राय बहुत लोक निजक फिट रखापी मर्णिंग वाक कर पाने युवक मैंने समस्ते जाकि पड़िया मान जा व्यायाम इत्यादि सब कर शीत दाउ रक्षा रक्षा पाइबापी शीत पुणी थे कंधमाल जिला फेरी एथिपाई आम निजक फिट रखापी मर्णिंग वाक जाऊ सका समय विभिन्न लोक विभिन्न वर्गर लोक पाठ बुढ़ा पर्यंत रास्ता को आसी मर्णिंग वाक जाऊँगी निजक फिट रखी पार्टी कौन कह के जाए शीत शीत बेस शीत हो शीत 8-9 ना आम कम पत्र करूँ हल फल कड़े बिलवाड़ी को जापार बेस शीत होगा जो जहाँ आप सीधा साल देखुले कंधमाल जिले में बर्तमान शीतर प्रकोप धीरे धीरे पुणी जारी रही सका 8-9 ना लोके काम करने घर पदा को बाहर ना जाड़ शीतर कंधमाल पुणी थरुच कहले अत्यधिक होना कंधमाल जिलूर बालकृष्ण चर्ची न्यूज 18 ओडिया आज ठारु आरंभ होउछि प्रेम सप्ताह आज गोलाप दिवस आउ गोलाप कहिबो मनर कथा एथिपाई नाली गोलापी धळा ओ हळदिया रंग बेरंग गोलाप रे दुकान बजार भर्ती होइ जायछि सरगरम होइजिबो पार्क कॉलेज उपहार बजार एथिपाई उत्साहित युवपीढ़ी एथिसो व्यापार पई पसरा मिलिछंती फूल उपहार व्यवसायी गोलाप दिवस परे चॉकलेट दिवस टेडी दिवस ओ वैलेंटाइन डे भली अनेक उत्सव रहिछि एहाकु ने उत्साह बढ़ुछि एथिपाई भिन्न भिन्न रकमर उपहार रे भी दुकान भर्ती सामाजिक गणमाध्यम रे भी विभिन्न शुभेच्छा बार्ता घूरी बुलला बेंगलुरु गोलापर स्वतंत्र चाहिदा थिबारु व्यापार पई स्वतंत्र बरात करा जायछि ए गोलाप या छड़ा रायपुर दिल्ली और कोलकाता गोलापर भी भर्ती होईछि फूल दुकान लाली और सुंदर कारणरु बेंगलुरु गोलापर दाम 25 टंका पर्यंत रहिछि बाकी सब गोलापर आकार रे छोट और टेम्पो छोट होइतिबारु चाहिदा सह दाम भी कम रहिछि 15 टंका रे सब गोलाप मिलि जाउछि
ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର।